हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द किरण एकेडमी। आई एम द होस्ट सुमित। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वेब ड्राइवर के मेथड कौन कौन से हैं, क्या इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बट वीडियो के ऊपर जाने के पहले, जो सीरीज है हमारी, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक और एक इंसाइट देना चाहता हूँ। हमारा एक और एक प्लेसमेंट का भी एक अलग सा चैनल है। अगर आपको प्लेसमेंट रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लेसमेंट रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इस चैनल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी भी मेंशन की है, क्या उन्होंने कैसे उनकी जर्नी हुई थी, उनको कैसे उनको गाइडेंस मिला हमारे टीम से, तो और उनका सक्सेस रेट उस वे से कहाँ से इंक्रीज हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप इस चैनल के ऊपर भी गो थ्रू करके देख लीजिए, यू विल गेट बेटर इनसाइट। सो लेट वी स्टार्ट अवर सीरीज। तो गाइस, यहां तक हमने लास्ट सेशन में कोड किया था, जो कि एक सिंपल हमने वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट किया था और ओपन किया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक के मेरे प्रीवियस वीडियो देखे नहीं तो यहाँ पर आई टैग के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप उससे कलेक्ट करके चेक करवा सकते हो। तो सिंपल हमने एक दो मिनट में हम ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या देखा था। तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी हमने एक यूज की थी, वहां पर हमने सेलेम की एनवायरमेंटल सेट किया था, जो कि क्रोम ड्राइवर के अंदर ओपन करना है। फिर वेब ड्राइवर इंटरफेस हमने बनाया था, ये भी हमने एक्सप्लेन किया कि इसके इंटरव्यू में आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया, पूरा डिटेल में आपने मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो होता है, इतना करने के बाद आपको और एक इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपने कौन कौन से वेब ड्राइवर के मेथड्स यूज किए हैं, which methods you are using in your Selenium. अब वेब ड्राइवर्स एक इंटरफेस है, अब इंटरफेस के आपने कौन कौन से मेथड आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज किए, तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो कौन कौन से मेथड है, तो डायरेक्टली मैं कोड के ऊपर आपको पहले देख लेते हैं। अब यहां तक अगर हम देखें तो इस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, जस्ट एक रन करके देख लेते हैं कि हमें आउटपुट क्या रहा है इनिशियल बेस के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करो और रन जावा एप्लीकेशन को, तो जो भी है हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑटोमेट करके हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पर ऑटोमेट वेब एप्लीकेशन जो ये दिख रहा है आपको, ये भी हमारे ही डेवलपर्स ने, इन हाउस डेवलपर ने इन्हें डिजाइन किया है। अब यहाँ पर हमारा ये एप्लीकेशन तो ओपन हो रहा है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन के साथ थोड़ा खेलना है, ऑटोमेट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके ऊपर आते देखो। अब ये जो मेरा एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, इस एप्लीकेशन का अगर मुझे टाइटल फेच करना है, टाइटल यानी क्या, देखो यहाँ पर टाइटल आपको अगर दिख रहा होगा, जावा बाय किरण हाइफन लॉगिन, ये क्या है, मेरा टाइटल है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर इसके लिए टाइटल टैग यूज करते हैं। अब मुझे अगर वो चेक करना है सेलेनियम के थ्रू भी उसे टाइटल को प्रॉपरली यूज किया है क्या, प्रॉपरली मेंशन किया है व्हाट द कंटेंट्स डेवलपर इज डिजाइन इट इज इन द प्रॉपर, तो वो हमें अगर हमें ऑटोमेट करना है तो वो भी आप सेलेनियम के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक अलग सी मेथड दी हुई है वेब ड्राइवर इंटरफेस ने, तो वो अगर मेथड यूज करें तो पहले तो हमने ड्राइवर का इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया है, जो लाइन नंबर 13 में हमने ये बनाया। फिर यहाँ पर लिखो सिंपल ड्राइवर डॉट, और यहाँ पर लिखना है आपको गेट टाइटल नाम की मेथड। अब अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे गेट टाइटल का, तो गेट टाइटल क्या है मेथड, इसका जो टाइप है देखो, गेट टाइटल ये वेब ड्राइवर की मेथड है, कोलन के बाद जो होता है ना गाइस, वो होता है आपका रिटर्न टाइप ऑफ दैट मेथड, कि वो मेथड एक्चुअली क्या रिटर्न करते है? तो मैं सभी लोगों को एक रेकमेंड करूंगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपका 50% काम वहीं पे रिजॉल्व होता है। इसके लिए आपको गूगल प्रोबो की भी हेल्प करने की जरूरत नहीं, सिंपली डायरेक्टली गेट टाइटल करो, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करो, कंट्रोल स्पेस करने के बाद देखो कि इस मेथड क्या करती है, व्हाट द बिहेवियर ऑफ दैट मेथड। तो मेथड का अगर कोलन देखे देखो क्या बिहेवियर है, इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग गाइस। अब ये रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा है, बट ये किसके मेथड है, तो डैश करके जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, सॉरी वेब ड्राइवर, तो ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पर गेट टाइटल मेथड क्या रिटर्न कर रही है, बेसिकली इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, और ये किसकी मेथड है, वेब ड्राइवर इंटरफेस की, जो कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, ड्राइवर, ठीक है, और ड्राइवर का टाइप क्या है, वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर इज ए इंटरफेस, तो वो उसकी मेथड है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि क्या एक्चुअली किसकी मेथड है। नाउ इट रिटर्निंग ए स्ट्रिंग, तो हम क्या करते हैं उसे कलेक्ट करके ले लेते हैं एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में,
तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं एसटीआर और उसको यूआरएल मेंशन करते हैं। और देखो मैंने जो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, फॉलो द इंडस्ट्री कोडिंग स्टैंडर्ड एसटीआर, जो भी वेरिएबल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फर्स्ट लेटर क्या कर रहा हूँ मैंने स्मॉल केस में लिखा है। अगर मैं नेक्स्ट कैमल केस यूज करना है तो मैंने यूआरएल जो है इस यू को कैपिटल लिखा है। तो फॉलो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्योंकि ये भी बहुत नोटिस करते हैं कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर एसटीआर यूआरएल मैंने मेंशन किया। अब जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम सीसो कर लेते हैं कि भाई प्रॉपरली हमारा यूआरएल दिख रहा है क्या। सिंपल हम क्या करते हैं एसटीआर यूआरएल मेंशन कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं जस्ट रन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक रन जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो जो भी आपका टाइटल के ऊपर यानी इस यूआरएल के ऊपर जो टाइटल है वो टाइटल आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जावा बाय किरण, अगर आप कंसोल के ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, जो डेवलपर ने स्टेटस के अंदर रखा था वही मुझे आउटपुट में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है एज इट इज। सेम अगर आपको इस पेज का करंट यूआरएल भी देखना है, इस पेज का करंट यूआरएल क्या है, जो अभी मैंने वेब एप्लीकेशन ओपन किया है मेरे क्रोम ब्राउजर के अंदर, तो उसकी करंट यूआरएल भी आप फेच कर सकते हो। बहुत टाइम हमें वो फेच करने में लगता है क्योंकि जब आप लॉगिन से लेकर डैशबोर्ड के ऊपर जाते हो तो उस सिनेरियो में हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है वेदर माय डैशबोर्ड यूआरएल इज विजिबल और वेदर माय लॉगिन यूआरएल इज विजिबल। सो ये चीजें भी हमें ऑटोमेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अगर मुझे यूआरएल भी अगर फेच करनी है तो यूआरएल कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल, ये एक मेथड है। ये भी किसकी मेथड है, चलो गाइस फिर से इसके ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। गेट करंट यूआरएल क्या है, इसका रिटर्न टाइप इट रिटर्निंग स्ट्रिंग, कोलन के बाद जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है। और ये मेथड किसकी है, हमारी वेब ड्राइवर इंटरफेस की। तो वेब ड्राइवर इंटरफेस की मेथड है और ये हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो अगेन इसे क्या करते हैं हम गेट करंट यूआरएल जो है, यानी जो एप्लीकेशन ऑटोमेट कर रहे हो वेब एप्लीकेशन उसी को क्या करेगा, वो ये ओपन कर देगा। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, इसे एक वेरिएबल के अंदर कलेक्ट करके ले लेते हैं अगेन स्ट्रिंग और यहाँ पे लिख देता हूँ करंट यूआरएल और करंट यूआरएल के अंदर इसे क्या करते हैं डिस्प्ले करते हैं। सिंपली क्या करो सिसो करते हैं जस्ट चेक करने के लिए कि करंट यूआरएल हमें प्रॉपरली दिखा रहा है क्या। ऑलरेडी हमने टाइटल को भी प्रिंट किया है, सिंपली यहाँ पर करंट यूआरएल को प्रिंट करते हैं राइट क्लिक। अब देखो यहाँ पर मेरा प्रीवियस जो मैंने राइट क्लिक करके रन किया था ये प्रीवियस ब्राउजर यहाँ पर ओपन है। तो जितने भी आपके ब्राउजर्स ओपन रहेंगे ना गाइस वो उसे क्या करो क्लोज किया करो, नहीं तो आपका पीसी जो है अननेसेसरी स्लो हो जाता है। क्रोम जो होता है वो बहुत मेमोरी यूटिलाइज कर लेता है, तो इसके लिए अभी एग्जिस्टिंग जितने भी आपके क्रोम ब्राउजर्स रहेंगे ना वो क्लोज करो। ये एक छोटी सी टिप्स है आपके पीसी को थोड़ा फास्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली क्या करो राइट क्लिक करो रन जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो अगेन ये क्या करेगा ऑटोमेट करेगा ओपन करेगा और हमारी जो अभी करंट यूआरएल है जो मैंने वेब एप्लीकेशन के लिए यूज किया है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर हो जाएगा। तो देखो कंसोल के अंदर आ गया क्या, सिंपल जो अपने करंट यूआरएल हमने जो डाली थी वही करंट यूआरएल हमें मिल रही, यानी इस वजह से आप करंट यूआरएल भी गेट कर सकते हो सेलेनियम के थ्रू। सेकेंड अगर आपको पूरे पेज सोर्स एक्सेस करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता है कि कभी कभी पेज सोर्स के अंदर डेवलपर ने क्या किया है उसमें से मुझे वैल्यू निकाल के भी यूज करना पड़ता है, तो अगर मुझे पेज सोर्स कैसे देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी प्रोविजन सेलेनियम में दिया है, यानी सेलेनियम में इतना इजी करके दिया ना गाइस, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली क्या करना है ड्राइवर यूज करो ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स। देखो हर टाइम हम गेट पेज सोर्स गेट करंट वाले करें क्योंकि हमें चाहिए, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम गेट ही यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर मेथड का नाम भी उन्होंने देखो कितना अच्छी तरह से दिया है गेट पेज सोर्स, पेज का जो भी सोर्स कोड है वो आपको मिलेगा। इसका टाइप रिटर्न टाइप क्या है, इट रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगेन ये मेथड किसकी है, वेब ड्राइवर की मेथड है। अगेन वेब ड्राइवर इज अ इंटरफेस, तो इसकी मेथड है ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में कलेक्ट करके ले लेते हैं गाइस। सिंपल यहाँ पर एक स्ट्रिंग मेंशन कर लेते हैं एसटीआर पेज सोर्स, ठीक है तो इसे मैं नाम दे देता हूँ और इसके अंदर कलेक्ट करके ले लेते हैं। अगेन इसको क्या करते हैं सिस आउट करके क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि सच में मुझे वो पेज सोर्स मिल रहा है क्या। अगेन प्रीवियस ब्राउजर जो ओपन है उसे क्लोज करके लेते हैं, नहीं तो अननेसेसरी आपका मशीन क्या हो जाएगा गाइज स्लो हो जाएगा, तो वो चीजें ना हो तो हमेशा क्या करो ब्राउजर को क्लोज करो। देन अभी देखो फिर से ऑटोमेट हो रहा है,
अब चेक कर लेते हैं जो हमारी जो वेब एप्लीकेशन की ये जो जो आपको ये दिख रहा है इमेज या बहुत सारी चीजें इसके ऊपर दिख रही है, तो इसका भी आपको सोर्स कोड आपको चाहिए तो सोर्स कोड भी मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा कंसोल के ऊपर देखेंगे तो कंसोल के ऊपर थोड़ा एक्सपांड करो तो यहाँ पर देखो यू विल गेट फुल HTML सोर्स कोड। HTML जो भी हम सोर्स कोड होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, देखो हमारा बेस HTML रूट टैग कहते हैं उसे, फिर उसके बाद में हेड और पूरा जो कोड है वो कोड यहाँ पर मुझे एक्सेसिबल मिल रहा है, तो आप इस वे से भी एक्सेस कर सकते हो। यानी ये जो सारी मेथड हमने देखी कौन कौन सी मेथड थी हमने देखो, हम फिर से एक दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। क्या है पहली मेथड कौन सी थी वेब ड्राइवर की हमने यूज की थी? सबसे पहले हमने में जो मेथड यूज की थी गाइस गेट मेथड। गेट मेथड करता क्या है कि आपको जो वेब एप्लीकेशन ओपन करना है ब्राउजर के अंदर तो उसके लिए गेट मेथड हम यूज करते हैं। सेकेंड जो हमारी मेथड थी वो कौन सी थी? गेट टाइटल। यानी डेवलपर ने टाइटल क्या सेट किया है आपके वेब एप्लीकेशन के लिए तो वो टाइटल भी आप डायरेक्टली गेट टाइटल मेथड से ले सकते हो। सेकेंड, अगर आपको जो एप्लीकेशन आप ऑटोमेट कर रहे हो उसके करंट यूआरएल भी चाहिए तो आप करंट यूआरएल भी गेट कर सकते हो, इसके लिए गेट करंट यूआरएल भी ये मेथड दी हुई है। और लास्ट क्या है? गेट पेज सोर्स। पेज सोर्स यानी जो डेवलपर ने पेज डेवलप किया है उसका अगर आपको कोड एक्सेस करना है तो उसके लिए गेट पेज सोर्स नाम की मेथड है। यानी ये जो जितनी भी सारी मेथड हमने आज पढ़ी जो इंग्लिश की वो सब कुछ किसकी है? वेब ड्राइवर इंटरफेस की है। और आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन और एनलिस्ट द वेब ड्राइवर मेथड, तो उस केस में गाइस इसका आंसर कैसे देना है? पहले तो वेब ड्राइवर क्या है एक्सप्लेन करो, व्हाट इज अ वेब ड्राइवर? वेब ड्राइवर इज अ इंटरफेस, इट इज अ बेस हायरार्की ऑफ इन अ सेलेनियम स्ट्रक्चर। इन द वेब ड्राइवर देयर इज अ लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिकॉज इट इज अ इंटरफेस सो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज अ गेट मेथड, व्हाट एग्जैक्टली गेट मेथड डज वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओनली नाम नहीं देना कि गेट है, गेट करंट यूआरएल है, ये ओनली नाम मेंशन नहीं करना। हम वही गलती करते हैं गाइस कि हम ओनली मेथड का नाम मेंशन कर लेते हैं, तो नहीं, आपको थोड़ा उसका एक या दो लाइन में उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है एग्जैक्टली क्या वो मेथड करती है, क्या रिटर्न कर रही है, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, तभी इंटरव्यूअर को समझ में आएगा यस This guy is doing something and इसने कुछ तो किया है आपके प्रोजेक्ट के अंदर या उसने कुछ तो उसके ऊपर पढ़ा है, तो ये आपको इस वजह से क्या करना है उसका आंसर देना है गाइज। तो होप सो जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर सकते हो। अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है जो इसके ऊपर सर ये हमें नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे बता सकते हो कि कौन सी मेथड आपको एक्सप्लोर करनी है गाइज। अगर आपको ये अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू गाइज, ऐसे हम नई नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइज।